फ्रेंड्स, केम छो? आई एम तनु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके साथ मेरा डिनर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। आज मैं डिनर में बटाटे वड़े बनाने वाली हूँ, जिसे यहाँ हमारे गुजराती में बफ वड़े भी बोलते हैं। वो मेरे ससुराल में सबको मेरी ये आइटम बहुत अच्छी लगती है, तो मैं आज आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूंगी और ये रूटीन भी शेयर करूंगी। तो चलिए, आलू को ले लिया है और अब मैं उसे नॉर्मल टैप वाटर से एक बार धो रही हूँ और उसे एक दो मिनट तक पानी में ऐसे ही भिगो कर रख दूंगी। के बाद अब मैं कुकर में उसको और छोटे छोटे उसके एक आलू के दो पीस ऐसे करके उसको कुकर में डाल के उसको बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। कम से कम दो से तीन सीटी लगाऊंगी कुकर को। अब थोड़ा सा नमक डालूंगी और कुकर को गैस पर चढ़ा दूंगी। सभी शाम के 6:30 बजे हैं। आज 2 फरवरी है और आज हमने डिनर में जो बफ वड़े, जो बटाटे वड़े कहते हैं, वो बनाने का सोचा है। मेरे हस्बैंड को वो बहुत पसंद है, तो आज मैं वो बनाने वाली हूँ और उसके साथ मैं अपना रूटीन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। यहाँ मेरा छोटू, हाय करो छोटू, हाय करो, हाय तो कर। वो होमवर्क कर रहा है और यहाँ मैंने आलू को गैस पर बॉईल होने के लिए रख दिया है। यस, और अब मैं इसके साथ अपना जो मेरा जो शाम का जो काम बाकी है वो कंप्लीट करूँगी। वड़े या बटाटे वड़े, जो बफ वड़े जो आप बोलते हैं, उनमें मेरा मसाला ग्रीन रहता है। कई लोग लाल मिर्च भी यूज़ करते हैं, लेकिन मेरा पूरा मसाला ग्रीन है, ग्रीन होता है, जैसे कि धनिया है, हरी मिर्च है, तो उससे उसका कलर भी अलग होता है और टेस्ट भी अच्छा होता है। तो अब मैं धनिया को धोकर काटने वाली हूँ उसका मसाला बनाने के लिए। ओके, तो लेट्स गो।
अब ये सारा काम पूरा हो गया सारा काम मेरा, थैंक गॉड। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का ये मेरा सैटरडे नाइट रूटीन? और अगर ये आप भी अगर ये वड़े की रेसिपी ट्राई करें तो मुझे बताना कैसा बना है। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।